दोस्तों, कभी पाकिस्तान के नागरिकों से ये पूछा जाए कि उनके यहाँ क्या कुछ अच्छा हुआ है, तो आपको सुनने को मिलेगा कि पाकिस्तान में बहुत कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान को सुधारा नहीं जा सकता, ना तो पाकिस्तान के नागरिकों को। वहाँ के प्रशासन से खुश है और ना ही वे कभी ये कहते हैं कि कुछ भी काम पाकिस्तान के व्यवस्था के अनुसार हो रहा है, बल्कि पाकिस्तान भारत से भी पीछे है। और आज इलेक्ट्रॉनिक के मामले में भी पाकिस्तान बांग्लादेश और इंडिया से बहुत पीछे हो चुका है, जबकि चीन ने भी उसके साथ हाथ मिलाया था। और अब चीन ने अपने खास दोस्त पाकिस्तान को करारा झटका देते हुए एक बड़े प्रोजेक्ट का काम रोक दिया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नीलम झेलम नदी पर बन रहे डैम को लेकर विरोध प्रदर्शनों से तंग आए चीन ने 959 मेगावाट का नीलम झेलम जल विद्युत प्रोजेक्ट रोका है। इस चीनी फर्म ने पाकिस्तान में ईंधन और बिजली की लगातार कमी को देखते हुए ये प्रोजेक्ट इस साल जुलाई से बंद कर दिया था। चीनी कंपनियों ने कहा कि स्थानीय लोगों के विरोध और कर्मचारियों का पाकिस्तान पुलिस की ओर से सुरक्षा नहीं दिए जाने के बाद काम रोक दिया गया है। वहीं चीन के इस प्रोजेक्ट के अचानक बंद होने से संयुक्त जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर पाकिस्तान और चीन के संबंधों के बीच एक गहरी खाई पैदा होने की संभावना है। संयंत्र पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मुजफ्फराबाद के पास स्थित है और चीनी इंजीनियर एक महत्वपूर्ण सुरंग को खोलने के लिए काम कर रहे थे। इस्लाम खबर ने बताया 508 अरब रुपए की जल विद्युत परियोजना ने अपने संचालन के 3 वर्षों के भीतर अचानक रोक दिया। संयुक्त परियोजनाओं विशेष रूप से दासू और मोहम्मद बिजली परियोजनाओं के अलावा नीलम झेलम संयंत्र पर पाकिस्तानी और चीनी अधिकारियों के बीच गंभीर मतभेदों का उजागर किया। वहीं दूसरी तरफ साल 2010 में ही भारत और बांग्लादेश का बिजली को लेकर समझौता हो चुका है और दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। हालांकि भारत और बांग्लादेश न सिर्फ बिजली इंपोर्ट कर रहा है, बल्कि इन्होंने अपनी कई कंपनी को एक दूसरे के साथ साझा कर बेरोजगारी और देश की व्यवस्था को भी बढ़ावा दिया है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के नागरिक काफी परेशान है और अगर उनसे पूछा जाता है कि उनके देश की व्यवस्था कैसी है तो वे काफी परेशान हो जाते हैं। यहाँ तक कि बिजली का रेट भी काफी हाई है और एक पाकिस्तानी नागरिक ने तो ये तक बताया कि जब उसके घर में 32,000 की बिजली का बिल आया तो उसने इस बात की कंप्लेंट विद्युत डिपार्टमेंट में की, लेकिन अगले मंथ उससे ज्यादा बिल उन्हें मिला। यहाँ तक कि कोई सुनवाई भी नहीं की जाती और प्रशासन पूरी तरह से ढीली हो चुकी है। तो दोस्तों, शायद इसलिए कहा गया है कि हमारा भारत महान है और जो भी हो, भले ही हमारे सरकार को भारत के नागरिक कोसते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वे उनकी व्यवस्था से खुश भी होंगे। अब जाहिर सी बात है, सबको सबकी तरक्की देखी नहीं जाती। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी तमाम न्यूज अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।